सो हेलो गाइस, मेरा नाम है साजी सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो कैप्चर कार्ड की जिसके साथ आपको काफी सारी एक्सेसरीज देखने को मिल जाएगी। वेल दोस्तों, जैसा कि अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कॉन्गो कंपनी की तरफ से आने वाला एक वीडियो कैप्चर कार्ड है और आप इस वीडियो कैप्चर कार्ड के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अपने DSLR कैमरे से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने DSLR कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं काफी बेहतरीन क्वालिटी के अंदर, तब दोस्तों आपको एक वीडियो कैप्चर कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉन्गो के वीडियो कैप्चर कार्ड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने DSLR कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर, तब आपको किस तरह के स्टेप फॉलो करने होंगे वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं स्टेप बाई स्टेप आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है कॉन्गो फुल HD वीडियो कैप्चर कार्ड USB 3.0 का बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले इसके बॉक्स के बारे में कि इसके बॉक्स पर किस तरह के फीचर्स मेंशन किए गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, सबसे पहले यहां आपको कॉन्गो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद ये एक वीडियो कैप्चर कार्ड है और इसके बॉक्स के ऊपर यहां मेंशन किया है कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। एंड दोस्तों, ये USB 3.0 को सपोर्ट करता है और इसके अंदर आपको एक HDMI केबल मिल जाएगी और ये 4K तक की वीडियो को सपोर्ट करेगा। खैर, मैं वीडियो में आगे आपको सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। एंड दोस्तों, अगर बॉक्स के अदर साइड पे देखा जाए तो बॉक्स के अदर साइड पे इसके कुछ कंटेंट के बारे में बताया है, जैसे कि इसके अंदर आपको HDMI केबल मिलेगी और एक आपको 2-in-1 HDMI एंड मैक्रो HDMI कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों, अगर बॉक्स के अगर बैक साइड पे देखा जाए तो बैक साइड पे इसके कुछ हाईलाइट फीचर मेंशन किए हैं, जिन्हें दोस्तों अगर आप रीड करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों, बॉक्स के बैक साइड में ही यहाँ पर काफी सारे डिवाइस को शो किया गया है जिसको ये सपोर्ट करता है। एंड दोस्तों, बॉक्स के अदर साइड पे बाकी के दो कंटेंट को शो किया गया है, जैसे कि USB 3.0 का एक वीडियो कैप्चर कार्ड और उसके बाद यहाँ आपको इसके अंदर टाइप सी USB कनेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, सबसे ऊपर टॉप पे आपको कॉन्गो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फटाफट जल्दी से हम बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या क्या कंटेंट मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। सो फाइनली गाइस, मैंने बॉक्स को अनबॉक्स कर दिया है एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, बॉक्स के अंदर आपको ये सारा का सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलती है, जिसे आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों, आपको एक थैंक यू कार्ड देखने को मिल जाता है कॉन्गो की तरफ से। एंड उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको मिनी HDMI to HDMI एक केबल देखने को मिल जाएगी बॉक्स के अंदर। एंड उसके बाद दोस्तों, आपको एक USB Type-C कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, ये एक USB to Type-C कनेक्टर है और आप इसको इजीली अपने PC या लैपटॉप के अंदर या फिर अपने मोबाइल के अंदर इजीली इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, मैं इसका यूज भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको 2-in-1 मिनी HDMI एंड मैक्रो HDMI एक कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप काफी अच्छे से इस वीडियो कैप्चर कार्ड को यूज कर सकते हैं। एंड इसके पोर्ट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड फाइनली दोस्तों, ये है हमारा कॉन्गो की तरफ से आने वाला वीडियो कैप्चर कार्ड। एंड दोस्तों, यहाँ इसके एक साइड देखा जाए तो यहाँ आपको एक साइड आउटपुट देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको इसके बैक साइड में इनपुट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं इसके पोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको जो इनपुट देना है वो HDMI केबल के जरिए इसके अंदर आपको इनपुट देना है। और दोस्तों, अगर इसके आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट के लिए इसके अंदर आपको एक USB पोर्ट दिया है, जिसके जरिए दोस्तों आप इस वीडियो कैप्चर को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको केवल इतना ही कंटेंट देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, फाइनली अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में कि हमें इसके अंदर जो कंटेंट देखने को मिलता है इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। वेल दोस्तों, अगर इन सभी कंटेंट की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे पर्सनली काफी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है। बट दोस्तों, अगर यहाँ HDMI केबल की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे इतनी ज्यादा खास नहीं लग रही है। चलिए, फाइनली हम बात करते हैं अपने मेन कंपोनेंट की कि इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे कैसी लग रही है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो कैप्चर की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो पर्सनली इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और इसके अंदर आपको जो बिल्ड मटेरियल देखने को मिलता है वो काफी बेहतरीन बिल्ड मटेरियल देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर इसके पोर्ट की बात की जाए तो इसके जो पोर्ट दिए गए हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के पोर्ट दिए गए हैं। एंड उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर आपको USB 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये काफी बेहतरीन स्पीड आपको प्रोवाइड
कराएगा। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो कैप्चर कार्ड सपोर्ट करता है USB 3.0 को, जिससे कि ये काफी बेहतरीन स्पीड आपको प्रोवाइड कराएगा और मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया भी था। और दोस्तों इस वीडियो कैप्चर कार्ड के जरिए आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, स्क्रीन ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और दोस्तों आप इसको अपने DSLR कैमरे की रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लाइव गेम स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो कैप्चर के जरिए गेम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर इसके एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात की जाए तो वो है इसका अनकंप्रेस्ड वीडियो आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो वीडियो आउटपुट निकलता है स्ट्रीमिंग के दौरान वो अनकंप्रेस्ड होता है। तो दोस्तों अनकंप्रेस्ड का मतलब ये होता है कि जो वीडियो क्वालिटी होती है वो काफी बेहतरीन वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों ये वीडियो कैप्चर कार्ड 4K 2K 3D और फुल HD और 720p इस तरह की वीडियो को सपोर्ट इजिली कर लेता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप इस वीडियो कैप्चर कार्ड के अंदर इनपुट कर सकते हैं 4K वीडियो को, 2K वीडियो को, 3K वीडियो को और 180p वीडियो को और 720p वीडियो को। बट दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बार साफ साफ बता दूं कि इसके अंदर जो आउटपुट वीडियो का जो रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा वो केवल फुल HD तक का ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैप्चर कार्ड ऑडियो एंड वीडियो को एक साथ सपोर्ट कर लेता है। आप इस वीडियो कैप्चर कार्ड के जरिए ऑडियो और वीडियो को एक साथ आउटपुट कर सकते हैं और एक साथ इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो कैप्चर कार्ड OBS और VLC इस तरह के जो फेमस सॉफ्टवेयर हैं ये उनको इजीली सपोर्ट कर लेता है। और दोस्तों ये वीडियो कैप्चर कार्ड विंडोज को इजीली सपोर्ट कर लेता है, मैक OS को सपोर्ट करता है और आपके पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो ये एंड्रॉइड को भी काफी इजीली सपोर्ट कर लेता है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो कैप्चर कार्ड के कुछ हाईलाइट फीचर्स जो कि मैंने अभी आपको बताया। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि हम किस तरह से इसको सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इस वीडियो कैप्चर कार्ड को अपने DSLR कैमरे के साथ अटैच कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने DSLR कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, चाहे फिर वो YouTube पर हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है, अपने इस वीडियो कैप्चर कार्ड के अंदर जो HDMI केबल आई है, जैसा कि अभी आप मेरे पास देख रहे हैं ये जो HDMI केबल है, हम इसको कनेक्ट करेंगे सबसे पहले अपने इस वीडियो कैप्चर कार्ड के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें आपको यहाँ वीडियो कैप्चर कार्ड के ऊपर एक इनपुट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, जो HDMI केबल का जो स्टैंडर्ड पोर्ट है सिंपली आपको इस वीडियो कैप्चर कार्ड के अंदर इंसर्ट कर देना है उसको। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं मैंने HDMI केबल को कनेक्ट कर दिया है इस वीडियो कैप्चर कार्ड से। और दोस्तों उसके बाद आपकी HDMI केबल का जो सेकंड एंड है उसको आपको अपने DSLR कैमरे के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपके DSLR कैमरे के अंदर माइक्रो HDMI का पोर्ट दिया गया है तो आप डायरेक्टली इस केबल को अपने कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देखें इस केबल का जो एक सेकंड एंड है वो हमारा माइक्रो HDMI पोर्ट वाला सेकंड एंड है। और दोस्तों अगर आपके पास नॉर्मल HDMI केबल है तो दोस्तों आप इस कनेक्टर के जरिए अपने कैमरे से अपनी HDMI केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप साथ में देख रहे हैं हमारे पास जो ये कनेक्टर आया है इसके अंदर आपको सभी तरह के HDMI पोर्ट देखने को इजीली मिल जाएंगे। जैसा कि अभी आप देखें ये जो होता है मोस्टली आपको कैमरे के अंदर ये वाला पोर्ट देखने को मिलता है HDMI का। खैर दोस्तों अभी फिलहाल जो मेरे पास ये केबल मुझे देखने को मिली है इसके अंदर ये वाला पोर्ट डायरेक्टली इसके अंदर दिया गया है। चलिए दोस्तों अब मैं डायरेक्टली इस केबल को अपने DSLR कैमरे से कनेक्ट कर लेता हूं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं आपके DSLR कैमरे के अंदर आपको कुछ इस तरह के पोर्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक HDMI आउट का देखने को मिलेगा और एक USB केबल का देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, इस केबल को जो HDMI आउट का जो पोर्ट है इसके अंदर इंसर्ट करना है। चलिए फिलहाल मैं इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देता हूं। एंड फाइनली गाइज मैंने अपनी केबल को अपने DSLR कैमरे के साथ अटैच कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली करना क्या है, चलिए मैं आपको वो बताता हूं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने इस वीडियो कैप्चर कार्ड को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह से ये काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा लैपटॉप और अभी मैं इसके अंदर इसको कनेक्ट करने वाला हूं। एंड दोस्तों यहां मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं, अगर आपके लैपटॉप या फिर PC के अंदर अगर 3.0 USB वाला पोर्ट है तो आपको इस वीडियो कैप्चर कार्ड को उसी के अंदर इंसर्ट करना है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आपको ब्लू कलर का पोर्ट देखने को मिलेगा आपके लैपटॉप या PC के अंदर। अगर आप उसी के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं तब आपको बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिलेगी, हालांकि आप इसको नॉर्मल पोर्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसको अपने PC से कनेक्ट कर देता हूं। सो फाइनली गाइज मैंने अपने वीडियो कैप्चर कार्ड को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब फाइनली हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली अपने DSLR कैमरे को ऑन करना है और इसको वीडियो मोड में लेके आना है। चलिए फिलहाल मैं अपने DSLR कैमरे को ऑन कर देता हूं। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मैंने अपने DSLR कैमरे का जो वीडियो मोड है उसको इनेबल कर दिया है। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चलिए इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्योंकि दोस्तों अब बाकी का काम जो है वो हमें यूट्यूब के अंदर जाके करना होगा। अब जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं और दोस्तों मैंने क्रोम ब्राउजर के अंदर यूट्यूब को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप में यूट्यूब के अंदर जो आपको लाइव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहां आपको गो लाइव का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, इस पर क्लिक करना है।
एंड जैसे दोस्तों आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो इसके बाद यहां आपके सामने एक और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब सिंपली आपको करना क्या है, अपने वीडियो का टाइटल देना है जो कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल के बतौर मैं यहां पर डेमो नाम दे देता हूं और उसके बाद दोस्तों आप यहां से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आप सबके सामने वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आप यहां पर पब्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां आपको मोर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिंपली आपको मोर पर क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप मोर पर क्लिक करते हैं तो मोर पर क्लिक करने के बाद यहां आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर लिखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं यहां पर कुछ नहीं लिख रहा। और उसके बाद अगर आप वीडियो की कैटेगरी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो की कैटेगरी को यहां से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं यहां पर पीपल एंड ब्लॉग को सेलेक्ट कर देता हूं और उसके बाद यहां आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि फिलहाल अभी आप देखें यहां पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन में यहां आपके कैमरे की जो लिस्ट है वो सारी की सारी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें यहां iOS वेबकैम यूटिलिटी का एक ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है एंड उसके बाद यहां आपको यूएसबी वीडियो डिवाइस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां अभी आपके DSLR कैमरे का जो ऑप्शन है वो यहां इनेबल हो जाएगा और जो वीडियो कैप्चर होगी वो आपके DSLR कैमरे से होगी। एंड उसके बाद दोस्तों यहां आप एडवांस सेटिंग में जाकर मोनेटाइजेशन वगैरह इसको ऑन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं। एंड जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एंड उसके बाद दोस्तों आपका जो थंबनेल वगैरह है वो यहां क्रिएट हो रहा है, तो फिलहाल अभी आपको यहां थोड़ा सा वेट करना है। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरा जो थंबनेल है वो क्रिएट हो चुका है। एंड उसके बाद दोस्तों यहां आपको गो लाइव का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने वीडियो कैप्चर कार्ड की मदद से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। सो फाइनली गाइज हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास जो DSLR कैमरा है उसकी क्वालिटी क्या है और उसके अंदर आप किस तरह का लेंस यूज कर रहे हैं। खैर मैं यहाँ 18-55 mm का लेंस यूज कर रहा हूँ तो यहाँ आपको क्वालिटी इतनी बढ़िया देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों मेरे पास जो 50 mm का लेंस है उससे आपको काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें ये जो वीडियो चल रही है ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, अभी आपको यहाँ लग रहा है कि ये थोड़ी सी अटक अटक के चल रही है, बट ऐसा नहीं है। जब ये लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीट हो जाएगी या आपके व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं उनके सामने ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगी और इस वीडियो कैप्चर कार्ड से आप काफ़ी ईजिली बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के अंदर फुल HD में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इन सभी स्टेप को फॉलो करने के बाद। और दोस्तों अगर आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को एंड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको एंड स्ट्रीम का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो एंड हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्गो कंपनी की तरफ से आने वाले वीडियो कैप्चर कार्ड की फुल अनबॉक्सिंग की और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस वीडियो कैप्चर कार्ड का फुली सेटअप करके दिखाया और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने DSLR कैमरे के जरिए एक वीडियो कैप्चर के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैंने अभी आपको इस वीडियो कैप्चर की अनबॉक्सिंग करके दिखाई है। अभी मैं इसका फुल रिव्यू बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको ये वीडियो कैप्चर बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।